मुख्यमंत्री शोकलोत की फोटो लगे, फूड पैकेट बांटना पड़ गया महंगा, 7 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस कर दिए गए हैं आगामी देश के लिए स्थगित, निरस्त। और जिला राशन अधिकारी के द्वारा यह कार्रवाई करवाई गई है। पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज उचित मूल्य दुकानों पर जाकर देखा गया, मुख्यमंत्री शोकलोत की फ़ोटो लगे, फूड पैकेट निःशुल्क लोगों को वितरण किए जा रहे थे, आदर्श आचार संहिता कल से लागू हो गई थी और मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगे फूड पैकेट नहीं वितरण करने के आदेश जिला राशन अधिकारी के द्वारा कल ही दे दिए थे, लेकिन 7 दुकानदारों के द्वारा जो उचित मूल्य की दुकानें थी उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही थी, की गई छापेमारी और छापेमारी के अंदर निःशुल्क पैकेट बांटते पाया गया, इसीलिए 7 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और कईयों को आज नोटिस भी जारी किए हैं। इस प्रकार की कार्रवाई हनुमानगढ़ जिले के अंदर 1-7 ब्लॉक वाइज करवाई गई है। चलिए आपको सुनाते हैं कि जिला राशन अधिकारी हनुमानगढ़ का इस पूरे मामले पर क्या कहना है और आगे उनकी इस प्रकार की कार्रवाई कैसे रहेगी चालू, यह पूरी बातचीत के अंतर्गत बता रहे हैं, सुनिए। विधानसभा चुनाव 2023 की जो MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कल लागू हो गया है। लागू होते ही हमें जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किसी भी स्तर की आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं आए। इस संबंध में ये स्पष्ट निर्देश थे और हमने कल ऑफिस से ही ऑर्डर जारी कर दिए कि वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में जो फूड पैकेट वितरित हो रहे हैं उन पर CM साहब की फोटो लगी है, जो कि आचार संहिता के तहत तो उनको वितरण नहीं किया जाता है, वो डिपार्टमेंट से भी आदेश थे। हमने उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिया कि आज से जब से आचार संहिता लगी है तब से इन जो फूड पैकेट्स का वितरण नहीं किया जाए। आज मैंने ऑफिस से देखा ऑनलाइन पोर्टल पे कि कुछ उचित मूल्य दुकानदार अभी भी फूड पैकेट्स का वितरण कर रहे थे। मैंने एक दो जगह पर जाकर के भी देखा, भी गांधीनगर स्थित ये दुकान है सुभाष करनी, इस पर दुकान खुली थी, लोगों को फूड पैकेट्स वितरण किए जा रहे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न ब्लॉक्स के 7 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र आगामी आदेशों तक निलंबित किए गए हैं। इनमें रावसर के 24RWD के हंसराज लिम्बा, भादरा के रासलाना के उमेद खान, भादरा के ही है 1BSD के ब्रजलाल, नोहर 11 बरानी के राम प्रताप अमीलाल, कोला के हैं श्यामलाल और गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन के सुभाष और अरड़की के भादराम पतराम, इनको आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया है, जैसा कि कलेक्टर महोदया के निर्देश भी थे। और 5 उचित मूल्य दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो दो फूड पैकेट्स का वितरण किया है, तो इनकी स्पष्टीकरण करने के लिए इनको हमने नोटिस जारी किए हैं। ये हनुमानगढ़ से ही है राजेश गोगीराज है, नोहर से कृष्ण कुमार ये जोखासर के हैं, संगरिया ब्लॉक के नुकेरा के संदीप कुमार है और शेरडा के योगेश कुमार है और जिलोदा के चरण सिंह है। इनको हमने नोटिस जारी करके 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अगर इन्होंने भी इंटेंसली राशन वितरण करने का प्रयास किया है या किया है जो कि प्रतिबंधित है आचार संहिता में, तो हम कार्रवाई करेंगे। और जो स्टॉक किसी के पास पड़ा है तो इसको आगे निस्तारण कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास लगभग सितंबर और अक्टूबर महीने के अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स वितरण के बाद में 5,000 फूड पैकेट्स लगभग उचित मूल्य दुकानों पर पड़े हैं। उसका हमने आज हमारे जो वेंडर्स है शुभलक्ष्मी दाल एंड जनरल मिल को आदेशित कर दिया है कि वो उन उचित मूल्य दुकानों से वापस लेकर के और उनकी एवज में जो सरकार द्वारा अभी जो बिना फोटो लगे नवीन जो ब्रांड है उनकी सप्लाई करेंगे। तो हमारा कोशिश यही है कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार का अवशिष्ट स्टॉक जिन पर फोटो लगी है या योजना का प्रचार प्रसार है तो वो हम नहीं होने देंगे। जिला राशन अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि आगे भी इस प्रकार की चेकिंग की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि मुख्यमंत्री की फोटो लगे
कोई भी फूड पैकेट वितरण नहीं हो और आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने के लिए सख्ती हनुमानगढ़ जिले के अंदर की जाएगी। कल न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।